आज हम बात कर रहे हैं एचएफसीएल लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे 3i इंफोटेक की। एचएफसीएल के शेयर में गिरावट जारी है, स्टॉक 72 के आसपास आ गया है और इससे काफी लोगों को चिंता होने लगी कि एचएफसीएल का स्टॉक आखिर नीचे क्यों जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको यह ध्यान रखना कि दूसरी तरफ बाजार में भी गिरावट जारी है, काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। सेंसेक्स 60,000 से नीचे उतर चुका है, तो ये जहां पे बाजार में अगर करेक्शन आएगा तो सभी शेयरों में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि एचएफसीएल कोई वीक स्टॉक है, बहुत ही बुलिश जोन में स्टॉक फिलहाल अभी भी है। काफ़ी जल्दी यहां पे बड़ी तेजी कभी भी बन सकती है क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव खबरें अब आ चुकी है और आने वाली भी है। यहां पे ये स्टॉक तो बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है और इसके पीछे वजह है यहाँ पे इसका कारोबार। कंपनी सेमीकंडक्टर वाईफाई सर्विस लाने वाली है बहुत जल्द और साथ में कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो इस कंपनी को बहुत तेजी से आगे लेके जाएगी। आपको पता ही होगा 5G के लिए काम कर रही है कंपनी और कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है वो इस कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाने वाले। यह कंपनी बहुत ही पुरानी और इसकी प्राइस पहले बहुत ज़्यादा थी, कुछ मामले बिगड़े थे इसकी वजह से ये छोटा सा पेनी स्टॉक बन गया था, लेकिन पिछले एक साल में इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न किया है, लोगों को मालामाल इसने ऑलरेडी किया है। और जब इतनी बड़ी तेजी बनी है स्टॉक के तो थोड़ा सा करेक्शन तो लाजमी है, कोई डरने वाली बात नहीं, स्टॉक बहुत मजबूत है। दूसरी तरफ 3i इंफोटेक में जो भी लोगों की चिंता थी वो खत्म हो गई। मैंने पहले ही आपको कह दिया था डरने की कोई बात नहीं है, भले ही इसकी लिस्टिंग नीचे हुई है वापस, लेकिन इसकी प्राइस आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगी। तो देख लो, अगर आपकी प्राइस अभी आ चुकी है करीब, स्टॉक 80 के ऊपर चला गया, तो आपकी जो बाइंग प्राइस थी, जो आपने वो जो लास्ट में जब डीलिस्ट हुआ था स्टॉक, उस समय जो प्राइस थी वो आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे कुछ चिंता की बात निकल के आ रही है, वो चिंता की बात क्या है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और ऐसी गलती आप न करें तो उससे बच के रहे। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले एचएफसीएल की बात कर लेते हैं। और तो फ्राइडे को कारोबार नहीं हुआ है फ्रेंड्स, तो गुरुवार के कारोबार को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 74.55 पर, हाई बनाई 75.20 की, लो है 72.05 का और एंड में 72.80 पर करीब 2.41% डाउन पर इसने क्लोजिंग दी है। बाजार में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी और इसका नतीजा है कि यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली, लेकिन स्टॉक ने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दिखाई है। पिछले एक साल में इसने ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है। 18 रुपीज़ की लो थी इसकी 25 नवंबर 2020 को और फिलहाल स्टॉक आपको देख लो 72 के आसपास भी अगर ट्रेड कर रहा है तो बहुत ही ऊपर है और इसी वजह से यहाँ पर आपको डरने की बात नहीं। कंपनी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और यह स्टॉक करीब 58 रुपीज़ तक बड़ी ऊपर की प्राइस से नीचे भी आया था उस समय, तो आपको भी डरने की बात नहीं, अभी भी 72 के आसपास है। 23 अगस्त 2021 को इसकी प्राइस 58 रुपीज़ तक आ चुकी थी, तो वहाँ से फिर स्टॉक ने बाउंस बैक भी दिया। अभी स्टॉक फिलहाल ऊपर के लेवल के आसपास है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 76.40 इसका 27 अक्टूबर की प्राइस थी, तो कोई बड़ी करेक्शन अभी इसमें आई नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 49 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, वन वीक पहले 54 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और बुधवार को 74 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और गुरुवार के दिन इसमें 47 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। वॉल्यूम लगभग एक जैसा ही है, कोई बड़ी यहाँ पे उठापटक वॉल्यूम में नहीं देखने को हमें मिल रही है। और 16.85 इसका 50 रुपीज़ का लो था, 95.70 50 रुपीज़ का ही था, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ चुका था और इसीलिए अब ये करेक्शन के मोड में। काफ़ी समय से स्टॉक 70 से लेकर 80 के बीच में ही है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी भी ये 70 के ऊपर है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कंपनी का जो कारोबार आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे, कंपनी सेमीकंडक्टर वाईफाई 6 चिपसेट राउटर लाने वाली है। ये जो सर्विस है ये इसके कारोबार में पूरी की पूरी गणित चेंज कर देगा। आने वाले समय में यह बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। सेमीकंडक्टर जो वाईफाई 6 सिस्टम ला रही है कंपनी, ये राउटर जो है यह 5G को टेक्नोलॉजी को मैच करेगा और इस क्षेत्र में ये कंपनी सबसे आगे है और इसी वजह से जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी ये सेमीकंडक्टर्स वाईफाई 6 चिपसेट जो इसका है ये इनके कारोबार में बहुत ज़्यादा गति प्रदान करेगा। तो ये इसके लिए बुरी तरह से तैयार हो चुके, मॉडल भी इनका आ चुका है, जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है इसके साथ में ये मैच हो जाएगा। तो ये वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाईफाई की, ये बहुत ही स्मार्ट और फास्ट सर्विस है और यह जो सर्विस है ये 5G टेक्नोलॉजी के साथ में चलेगी, तो इसके लिए कंपनी ने अपनी तैयारी कर ली है। बहुत जल्दी सर्विस लॉन्च होने वाली है, तो जैसे ही ये 5G के साथ में सर्विस लॉन्च होगी तो इसके कारोबार में हमें बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। तो बहुत ही शानदार इन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कोशिश शुरू कर दी है और कंपनी दूसरी तरफ
पीएम वानी विलेज नेटवर्क सर्विस भी इस्टाब्लिश कर रही है। तो इन्होंने अपना जो दूसरा एक विलेज भी तैयार किया है जो है बाइटू बैटू विलेज, ये करीब कर्नाटका स्टेट में है और यहाँ पे करीब 9000 रेसिडेंस है जो इसके माध्यम से कवर हो जाएंगे गांव के। तो आप देख लो कि कंपनी बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है। एक तरफ तो वाईफाई पूरे विलेज इस्टाब्लिश कर रही है, दूसरी तरफ कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सारा काम कर रही है। यानी इनके पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो डिफेंस सिस्टम के काम आ रहे और इसी वजह से कंपनी सबसे हटकर है, अलायदा है। दूसरी तरफ ये वाईफाई के लिए काम कर रही है, 6 नई टेक्नोलॉजी ला रही है सेमीकंडक्टर बेस्ड, और दूसरी तरफ ये 5G के लिए काम कर रही है। इंडिया के अलावा विदेशों में भी ये एक्सपोर्ट करने वाले हैं 5G के प्रोडक्ट। तो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है कंपनी, और इसीलिए कह रहा हूँ कि इस स्टॉक में आप बने रहे, यह स्टॉक आपके लिए एक जैकपॉट साबित होगा। भले इसकी प्राइस 70 से भी नीचे आए कोई डरने की बात नहीं, जितना नीचे मिले ये खरीदे आप, क्योंकि कंपनी 5G के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने वाली है। कंपनी 5G इक्विपमेंट भी बना रही है और साथ में ट्रंक की सर्विस दे रही है, यानी इसमें जो हर तरह से सर्विस डेवलप कर रही है 5G के लिए। और दूसरी तरफ आपको पता होगा रिलायंस जियो के लिए ये सारे का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम यही कंपनी करती है, और इस वजह से इनकी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है। पिछले दिनों इनको लगातार बहुत सारे ऑर्डर मिले, तो आप ये समझ लो ये स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर है। एक समय इसकी प्राइस 2100 के आसपास थी, अब देख लो ये बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाती है, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट के लिए काम करती है कंपनी। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में HFCL के सिवा काम हो ही नहीं सके, सारी इनके पास प्रोडक्ट है। कंपनी सोलन हिमाचल प्रदेश में, गोवा में, चेन्नई में, साथ में कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी काम कर रही है। तो ये देख लो आप, कंपनी यहाँ पे रुकने वाली है। साथ में कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर भी किया हुआ है कैनेडियन इंटरप्राइज के साथ में, तो काफ़ी ज़्यादा वो बहुत सारे माइक्रोवेव रेडियो लिंक प्रोडक्ट बना रही है, और इसी वजह से कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। यहाँ पे जो कंपनी का जो कारोबार है उसको देख के ही करीब 2.64% की स्टेक लेटेस्ट में ले लिया 3 बड़ी FII कंपनियों ने जॉइंटली। ये जो आंकड़ा है यह बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है, इसका मतलब यह है कि उनको पता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है। तो बिल्कुल निवेश करके रखें, यह आपके सपने साकार कर सकता है, क्योंकि एक तरफ इसको सरकार की तरफ से जो PLI स्कीम पार्ट 2 है उसका भी फायदा मिल रहा है। सरकार ने इनको PLI स्कीम के तहत बहुत राहत दे दी है HFCL को, तो HFCL का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस स्टॉक में आप बने रहे, यह आने वाले समय का एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी इसके साथ में 100% बाय की कॉल है। एक बार इसके पिवट लेवल को अगर हम चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 71.53 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 70.22 का है, और जो थर्ड सपोर्ट है वो 60.38 का है। ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा तो जो टारगेट है वो है 74.68 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 76.52 का है, और थर्ड टारगेट 77.83 का है। और कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किया वो बहुत ही बेहतरीन है, क्वार्टर 2 का रिजल्ट उनका बहुत अच्छा है, आंकड़े सारे बहुत ही शानदार है, कंपनी का रिवेन्यू और ग्रोथ सारा बढ़ा है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है और यहाँ पे आपका निवेश कई गुना बढ़ जाएगा। अब हम चलेंगे 3i इन्फोटेक की तरफ। फ्रेंड्स, 3i इन्फोटेक के अंदर आपकी जो प्राइस थी जहाँ पे स्टॉक को डिलीट किया गया था कंपनी की तरफ से, और वो प्राइस अब आ चुकी है, क्योंकि 85.10 पर स्टॉक आ चुका है। तो करीब आप ये देख लो कि जो आपकी प्राइस थी बाइंग वो अब आपको मिल रही है, और इसी वजह से यहाँ पे अभी भी 5% का सर्किट तो लगा हुआ है, लेकिन कुछ चिंता की बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम है वो बढ़ चुका है। जैसे कि हम बात करें पिछले एक महीने पहले इसका 4 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, कोई चिंता की बात नहीं थी। 1 वीक पहले 12 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, तभी भी हमें कोई ज़्यादा बड़ी चिंता नहीं थी, और बुधवार को इसका 5 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था जो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन गुरुवार के दिन इसने 50 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम बता दिया है, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डरे हुए स्टॉक से, और जैसे उनकी बाइंग प्राइस आ रही है तो वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी वो गलती कर रहे हैं। स्टॉक में अभी अपर सर्किट का दौर काफ़ी ज़्यादा जारी रहने वाला है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। इस समय आपको इसमें निकल के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने काफ़ी समय तक अपने वेट किया, अब आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना बन रही है, तो आप ऐसे समय में निकलने की कोशिश कर रही है, आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि ये जो वॉल्यूम बता रहा है कि काफ़ी लोग हैं जो अब अपना माल बेचना कर चुके, क्योंकि वॉल्यूम में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। जहां पे एक दिन पहले 5 लाख रुपीज का वॉल्यूम था, वो बढ़कर सीधा 50 लाख रुपीज पर पहुंच गया। तो इसी वजह से लोगों की जो घबराहट जो चिंता है वही यहां पे लोगों को लॉस करवाती है, और इस वजह से काफी बार अगर ज्यादा पैनिक सेलिंग शुरू हो गई तो सर्किट भी खुल सकता है, और फिर सर्किट अगर खुलता है तो हो सकता है कि फिर लोअर सर्किट भी लगे। तो इस समय आपको पैनिक नहीं होना, बल्कि आपको अपना प्रॉफिट लेना है, तो थोड़े और धैर्य के साथ बने रहिए। स्टॉक अभी और लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले समय में यहां पे और तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, जो यहाँ पे सबसे बड़ी जो तकलीफ है ये है कि इसने जो आंकड़े पेश किए अपने रिजल्ट क्वार्टर 2 के, तो वो थोड़े से डिसअपॉइंट करने वाले,
और इसी वजह से थोड़ा सा माहौल निगेटिव बना है, क्योंकि कंपनी ने जो अपने आंकड़े पेश किए, जैसे रिवेन्यू इनका 183.27 करोड़ रुपीज़ निकल कर आया, तो 27.95% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। नेट इनकम -23.09 करोड़ रुपीज़ का है, जहाँ पे 250.82% की गिरावट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन -12.6% है, तो 309.9% की गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी के कारोबार में कुछ गिरावट है। तो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा सोच समझ के इसमें काम करें, लेकिन एक बात अभी समझ में आ रही है कि जिस तरह से पैनिक सेलिंग शुरू हो चुकी है, वॉल्यूम बढ़ने लगा है, तो अब ज़्यादा दिन तक सर्किट का दौर जारी रहने की संभावना थोड़ी कम हो चुकी है। लोअर सर्किट अभी लगने की संभावना बहुत कम है, हो सकता है सर्किट खुल जाए, लेकिन फिर भी वैल्यूबल बाइंग होगी, स्टॉक मजबूत है इस लेवल पर, तो अभी आप बने रहे इस स्टॉक के साथ में। और HFCL तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसमें आप निवेश जितना चाहे करें, यह मल्टीबैगर स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।